हेलो दोस्तों, आपका योगेश अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम के वाघ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में देखने वाले हैं, जो कि कॉलेज हमारा नासिक में है। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2021 MSCCT का कट ऑफ किया गया था, कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड पता चल जाएगा। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे इंजीनियरिंग में भी आपको इस चैनल के थ्रू हेल्प मिल सके। अगर आपको और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमने वहाँ पर मुंबई के और पुणे के मैक्सिमम कॉलेज का रिव्यू किया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए भी हम अपने कॉलेज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज का पूरा नाम आप देख ही सकते हो, के वाघ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि हमारा कॉलेज नासिक में है। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज हमारा 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो लगभग ये कॉलेज हमारा आज से 30-35 साल पुराना कॉलेज है। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम के वाघ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो कि कॉलेज हमारा नासिक में है। अब लोकेशन की बात करें तो कॉलेज हमारा हीराबाई हरिदास विद्यानगरी अमृत धाम पंचवटी नासिक 422,003 में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा अनएडेड नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड अफिलेटेड बाय सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से। कॉलेज नासिक में लेकिन अफिलेटेड है हमारा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से। और ग्रेड की बात करें तो इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ए ग्रेड मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब A to Z डिटेल चाहिए, तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है, www.engineering.kkwagh.education.in। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब NIRF रैंक की बात करें, जो कॉलेज की NIRF रैंक है 250 से 300 के बीच में रहती है। अब नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट ओझर एयरपोर्ट है, जो कि 16.9 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो हमारा नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो हमारा नासिक बस स्टैंड है, जो कि 5.4 किलोमीटर की दूरी पे। हम कॉलेज के DTA कोड की बात करें तो कॉलेज का DTA कोड 5121 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट और कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब कोर्सेज़ की बात करें तो कॉलेज हमें MA और BE की डिग्री प्रोवाइड करता है। BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MA मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो BE में आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ब्रांचें मिल जाती हैं, कम से कम 10-12 ब्रांच तो है यहाँ पे। जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 120 सीटें हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 120 सीटें हैं। फिर IT मिल जाता है, जिसमें IT में 60 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 120 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, जिसमें 120 सीटें। केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, 120 सीटें हैं। लास्ट में हमारा AI & DS मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जिसमें 120 सीटें हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें CS, IT, ERTC सब मिल जाता है, और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों कोर ब्रांच मिल जाती है। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे BE में 960 सीटें हैं। अब ME की बात करें तो ME में आप देख सकते हो हमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 18 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मिल जाता है, जिसमें 18 सीटें हैं। VLSI एंड इम्यूटर सिस्टम पे मिल जाता है, इसमें 18 सीटें हैं। टोटल ME में आप देख सकते हो हमें 54 सीटें मिल जाती है। अब मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप MSCCT मतलब जो महाराष्ट्र का एक एंट्रेंस एग्जाम है, और हम JEE मेंस के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों एंट्रेंस एग्जाम है, इनके थ्रू हम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम उनका कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे MSCCT 2021 और JEE Mains 2021 का कट ऑफ दिया गया है, तो हम सभी ब्रांच का उनकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज मतलब कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल का जो ओपन का कट ऑफ है 45.45% लिया था, OBC का 5.69% लिया था, ST का 26.70% लिया था, ST का 48.80 गया था, EWS का आप देख सकते हो 17.69% गया था, TWS का 81.29% गया, और JEE मेंस का 10.08% गया था। तो JEE मेंस वाले लोग के लिए यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें 15% रिजर्वेशन होता है, तो आप यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू भी आराम से एडमिशन ले सकते हो। और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 38% गया था, OBC का 30 गया था, SC का भी 30 गया था, ST का 10.76 गया था, EWS का 38 गया था, TWS का 77 गया था, JEE मेंस का 13 गया था। अब हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 93% गया था, OBC का भी 93.36% गया था, SC का 80.55% गया था, ST का 69% गया था, EWS का 92% गया था, TWS का आप देख सकते हो 97.22% गया था, और JEE मेंस का 85.42% गया था। IT डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का 90% गया था, OBC का 89 गया था, ST का 79% गया था, ST का 68 गया था,
AWS का 91 गया था, TWS का 93 गया था और JMS का 82.97 गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो CSID का कट ऑफ है, मतलब TWS का 97 परसेंटाइल है और IT में TWS का 93 मतलब 94 के आसपास ही है। अब CSND की बात करें तो मतलब कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन की, तो ओपन का कट ऑफ 83.29 परसेंटाइल गया था, OBC का 81 गया था, ST का 56 गया था, ST का 74 गया था, EWS का 78 गया था, TWS का 92.31 गया था और JMS का 74.87 गया था। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 70 परसेंटाइल गया था, OBC का 57 गया था, SC का 21 गया था, ST का 30 गया था, EWS का 33 गया था, TWS का 80 गया था और JMS का आप देख सकते हैं 48.83 परसेंटाइल गया था। अब ENTC डिपार्टमेंट की बात करें, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उनका जो ओपन का कट ऑफ है 70.71 परसेंटाइल गया था, OBC का 68 गया था, SC का 30 गया था, ST का 61 गया था, EWS का 74 गया था, TWS का 87.40 गया था, JMS का 67.53 परसेंटाइल गया था। अब हम केमिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 52.01 परसेंटाइल गया था, OBC का 33.79 परसेंटाइल गया था, SC कैटेगरी की सीट अभी भी यहाँ पे वैकेंट है, ST कैटेगरी की यहाँ पे 10.02 परसेंटाइल गया है, EWS का 37 परसेंटाइल गया, TLS का 83.07 परसेंटाइल गया और JMS की सीट अभी भी यहाँ पे खाली है। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन द कट ऑफ 53.25 परसेंटाइल गया है, OBC का 27 गया है, ST का 15.17 गया है, ST का 14.92 परसेंटाइल गया है, EWS का आप देख सकते हो यहाँ पे 2 परसेंटाइल गया है मैकेनिकल में, TLS का 83 परसेंटाइल गया है और JMS का आप देख सकते हो यहाँ पे भी सीट खाली है। अब AIDS डिपार्टमेंट की बात करें, AIDS मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, तो उनका जो ओपन का कट ऑफ है 83.29 परसेंटाइल गया है, OBC का 83 परसेंटाइल गया है, ST का 62 गया है, ST का 82.63 गया है, EWS का 82.09 गया है, TLS का 89.09 गया है और JMS का हमारा यहाँ पे 74.99 परसेंटाइल गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच मिलती है, मतलब आपके कट ऑफ के हिसाब से भी। अगर आपको यहाँ पे मतलब कोर ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आपको लगभग 50 से 60 परसेंटाइल के आसपास लाना पड़ेगा, जब भी आपका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो पाएगा मतलब कोर ब्रांच में। और आपको टेक ब्रांच में चाहिए मतलब CSIT के ब्रांच में, तो आपको 90 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा, 90 से 95 के अराउंड, जब भी आपका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर की फीस भी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों की फीस दी गई है, तो हम सभी की फीस देख लेते हैं। तो जो कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे 84,753 रुपीज़ दिया गया है, डेवलपमेंट फीस 9,747 रुपीज़ दिया गया है और यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस यहाँ पे 0 रुपीज़ है। टोटल जो आपकी फीस है 94,500 है। हम सभी कैटेगरी के हिसाब से फीस देख लेते हैं। जो ओपन की फीस है 94,500 दी गई है, ST की यहाँ पे 0 रुपीज़ है, OBC की 52,124 रुपीज़ है, VJ, NT, SPC और TLS की 9,747 रुपीज़ है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फीस देख लेना। अब हॉस्टल के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल मिल जाता है। जो बॉयज़ हॉस्टल का नाम है यहाँ पे कर्मवीर बॉयज़ हॉस्टल नाम है और गर्ल्स हॉस्टल का हमारा गीताई गर्ल्स हॉस्टल नाम है। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे TV रूम मिल जाता है, रीडिंग रूम मिल जाता है, वाईफाई हमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया था कॉलेज की, लेकिन हमें गूगल की कुछ वेबसाइट से पता चला है कि जो यहाँ के हॉस्टल की फ़ीस है 63,000 से मतलब 60 से 65,000 के बीच में रहती है। तो यह रहा हमारा बॉयज़ हॉस्टल। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज दी गई है और यहाँ पे हमारा गर्ल्स हॉस्टल रहा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट एंड पैकेज, जिसका आप सभी को कब से इंतजार था। तो जो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 14 लैक्स का है और जो एवरेज पैकेज है 3.5 लैक्स है, तो मतलब अच्छा ही प्लेसमेंट है इस कॉलेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मतलब कैंपस इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे। 2015 में मतलब 14-15 में 76 थे, फिर 91 हुए, 84, 95, 106 हुए, 127 हुए 2019-20 में, फिर 20-21 में 104 थे, 2021-22 में अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी तक 25 सिर्फ हुए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर पैकेज। हम यहाँ पे सिर्फ हम 2021-22 की बात करें और 2021 का देख लेते हैं। तो 2021 में जो 2 से 3 लाख थे, मतलब 2 से 3 लाख जिनका पैकेज था, वो 90 बच्चे थे और जिसका 3 से 4 लाख था उसमें 310 बच्चे थे, 4 से 6 लाख वाले में 79 बच्चे थे और 6 के ऊपर मतलब जिसका 6 लाख के प्लस था वो 54 बच्चे थे। अभी 21-22 की बात करें तो आप देख सकते हो जो 2 से 3 लाख में सिर्फ 5 बच्चे आ रहे हैं, 3 से 4 में खाली 72 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और 4 से 6 के बीच में 71 हुआ है और 6 से प्लस मतलब 6 के ऊपर 24 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर मतलब 6 लाख के ऊपर यहाँ पे 54 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और अभी भी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, इसलिए यहाँ पे अभी 24 हुए हैं, अभी मतलब 50-60 के आसपास भी जा सकते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है ओवरऑल। तो 2016-17 में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 358 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 17-18 में 461 का हुआ था, 18-19 में 447 का हुआ था, फिर 449 का हुआ था, 20-21 में 533 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और 21 में अभी 2021 और 22 में अभी तक 255 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। और इंटर्नशिप का भी आप देख सकते हो मतलब 102 थे पहला, फिर 115 हुए, फिर 186, 201, फिर मतलब 410 आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे 150। अब यहाँ पे आप सेक्टर वाइज प्लेसमेंट भी देख सकते हो मतलब परसेंटेज में हमें दिया गया है। तो कोर कंपनीज में प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो 58.16 का रेशियो है। आईटी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप देख सकते हो 39.96% प्लेसमेंट हुआ है, और सर्विस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप देख सकते हो 1.87 है। तो यहाँ पे हमारा रिव्यू ख़त्म होता है। तो ओवरऑल देखें तो एकदम मस्त कॉलेज है, अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है 90 से 95 के बीच में तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है 14 लाख तक गया है, और एवरेज पैकेज भी आप देख सकते हो 3.5 का है। और अगर आपको इस वीडियो से 1% भी अगर फ़ायदा हुआ ना तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।